नेता रामेश्वर डूडी का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी ओटी में चल रहा है ऑपरेशन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बघरटा आए हैं ओटी से बाहर। बघरटा ने बताया ब्रेन से ब्लड क्लॉट निकाल दिया गया है, साथ ही ब्रेन के जिस हिस्से में हुआ है डैमेज उसे भी रिपेयर कर लिया गया है। अब तकरीबन आधे से एक घंटे तक चलेगी उनकी सर्जरी, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि अभी भी रामेश्वर डूडी की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन सफल अब तक ऑपरेशन दिख रहा है। एहसास सहयोगी विकास शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। विकास, आप लगातार अपडेट दे रहे थे, राहत की बात यहां से मिल रही है। डॉक्टर राजीव बघरटा ने बताया है कि ब्रेन से ब्लड क्लॉट निकाल लिया गया है, क्या ये शुभ संकेत है विकास? बिल्कुल शिखा, देखिए बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बघरटा हैं, वो ओटी से बाहर निकले थे। उनको बुलाया गया था इस बात के लिए क्योंकि रामेश्वर डूडी जो हैं वो कार्डिक पेशेंट भी है और उनके अलग अलग दवाएं चल रही। तो ऐसे में जब न्यूरोसर्जरी का जब ऑपरेशन होता है तो उस दौरान और अन्य जो डॉक्टर जिनके पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी राय भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे में राजीव बघरटा को बुलाया गया था, राजीव बघरटा यहाँ पहुँचे और उनके ही निर्देशन में पूरा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले राजीव बघरटा यहाँ से निकले और उन्होंने जाते हुए कहा कि जो ब्रेन के अंदर क्लॉट जो हुआ था उस क्लॉट को रिमूव कर लिया गया है। इसके अलावा जो डैमेज हुआ था उस डैमेज पार्ट को भी रिपेयर किया गया है, लेकिन साथ में उन्होंने भी चिंता जताई है कि ब्रेन जो है वो अपनी जगह से जिस तरह से हिला है तो उसके बाद में जो टिश्यू डैमेज हुए थे वो टिश्यू डैमेज होने के साथ में तमाम जो वो जो नुकसान है उसका पता जब ही चल पाएगा जबकि पूरा ऑपरेशन हो पाएगा, ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि कितनी रिकवरी है। लेकिन मौजूदा स्थिति जो है उसमें जो रिपोर्ट बता रहे हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ चहलकदमी एकदम से बढ़ी है क्योंकि अभी ऑपरेशन कंप्लीट होने वाला ही है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर सर्जरी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके चलते तमाम जो लोग हैं उनमें भी उत्सुकता की। चलिए विकास, आपको रोकना चाहेंगे कि न्यूरो सर्जरी ओटी में उनका ऑपरेशन चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अक्षल शर्मा के निर्देशन में टीम ऑपरेशन कर रही है। जलदाय मंत्री महेश जोशी एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, न्यूरो सर्जरी ओटी में पहुंचे हैं मंत्री महेश जोशी ने चिकित्सकों से डूडी के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है। सीएम गहलोत भी बनाए हुए हैं स्वास्थ्य पर नजर, पल पल की स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और जुड़े हुए हैं फोन के माध्यम से चिकित्सकों की टीम से अपडेट ले रहे हैं। स्थिति में सुधार हो रहा है और कौन कौन से विकल्प हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर उपचार रामेश्वर डूडी को मिल सके। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे मंगलम हॉस्पिटल तभी ये साफ कर दिया था कि जो इलाज उन्हें मुहैया कराया जाएगा वो बेस्ट से बेस्ट देना ही सरकार की और मुख्यमंत्री की मंशा है, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य के रूप में परिवार के मुखिया होने के नाते उनका हार्ट का पहले भी ऑपरेशन हो चुका है, हार्ट का ऑपरेशन को पतला करने के लिए भी दवाई चल रही थी, मतलब डॉक्टरों के लिए भी चुनौती है सर इसमें। हाँ बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली इसी कारण से रहता है, ब्लीड हुआ है अभी तक 50% पार्ट है वो अच्छी तरह से नहीं, इसमें 50% ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इसमें तो भाई आपने क्लॉट निकालना जरूरी था वो कर दिया है, उसके बाद इसको क्लोज कर रहे हैं ठीक है। और उसके बाद साइज तो एग्जैक्ट मैं काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा क्लॉट था और वो ब्रेन पे कंप्रेशन उसके कारण से है तो ब्रेन पे प्रेशर है, तो ब्रेन थोड़ा सा जिस जगह पे होना चाहिए थोड़ा सरका है उसका प्रेशर है एंड तो उससे वो कितना रिकवर होगा वो सब वी हैव टू डिसाइड, उसका वो टाइम बताया।
और हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा लगातार बने हुए हैं। विकास, अभी हम डॉक्टर राजीव बगरट्टा को सुन रहे थे, उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जाहिर तौर पर क्लॉट काफी बड़ा था, चुनौती रही डॉक्टर्स के लिए, लेकिन अभी क्या अपडेट है, कब तक अब ऑपरेशन चलने वाला है? देखिए, मैं इस वक्त की आपको सबसे ताज़ा अपडेट देता हूं। उपराष्ट्रपति जो कि जयपुर दौरे पर है, जगदीप धनखड़, उनके एसएमएस अस्पताल में आने की सूचना मिल रही है। और एसएमएस अस्पताल में उनके आने की जैसे सूचना मिल रही है, उसके बाद में पूरा अस्पताल प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर, आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, अंदर से लेकर बाहर तक जितना वीआईपी एरिया था उस पूरे वीआईपी एरिया को खाली कर लिया गया है कि कुछ ही देर के अंदर उपराष्ट्रपति यहाँ पहुँच सकते हैं। उनकी पहुँचने की जो सूचना मिल रही है, उस सूचना के बाद में यहाँ पर जो तमाम लोग जो यहाँ रुके हुए थे वो सभी लोग यहाँ से पूरा खाली करा दिया गया, पूरा कॉरिडोर खाली करा करके यहाँ से, और सीधा पूरी जगह जो है खाली करा दी गई है। उपराष्ट्रपति जो है धनखड़, जगदीप धनखड़ है, वो यहाँ कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं, जिसके चलते पूरा सुरक्षा लवाजमा है जो उसको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, और साथ में पूरी जो जगह है उसको खाली करा ली गई है। महेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, जिसको हटा दिया गया है, जिसके प्रेशर के कारण से दिमाग थोड़ा सा जो डेविएट किया था उन्होंने थोड़ा सा, बाकी अभी ऑपरेशन की बाकी प्रक्रिया जारी है, तो कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स के बुलेटिन जारी कर पाएंगे। कितना समय और लगेगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से क्या स्थिति है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी तो एक बार जब ऑपरेशन पूरा जाए उसके बाद ही कोई बात कही जाएगा। अभी सभी प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं सब रहे हैं। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपने भी इसकी बिल्कुल ऑपरेशन की उम्मीद करते हैं, अच्छा होगा, भगवान से प्रार्थना अच्छा हो और वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में फिर से लौटे। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, बिल्कुल महेश जोशी जी ने प्रार्थना की और साथ में उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द वो ठीक होंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुँचने वाले हैं, जिसके लिए पूरी रूट लाइन तैयार हो गई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन इकबाल को कहूँगा, बाहर की तस्वीर दिखाएंगे, ये पूरी रूट लाइन तैयार कर ली गई है। ये और रूट लाइन तैयार इसलिए की गई है क्योंकि उपराष्ट्रपति का एसएमएस अस्पताल आने का प्रोग्राम है बना है, अचानक ये प्रोग्राम बना है, जिसके चलते पूरी जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है से, और जो पूरी टीमें जो है यहाँ पे अलर्ट मोड पर आ गई है, जो पूरी सुरक्षा घेरा, पूरी सुरक्षा जाप्ता जो है उसको तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरह की उपराष्ट्रपति को यहाँ पर आते वक्त को रूट लाइन में कोई दिक्कत नहीं हो। और आप देख सकते हैं कि पूरी जगह जो है उसको खाली करा लिया गया है। इस वक्त जो पूरा ओटी के बाहर का परिसर था, उस पूरे परिसर को खाली करा गया है। क्यूआरटी की टीम जो है वो यहाँ पर आ गई, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का दौरा होता है तो उस स्थिति में पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अचानक ये दौरा बनाया क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, घटना के बाद में जैसे ही उपराष्ट्रपति को भी इस बारे में पता चला और जयपुर दौरे पर हैं, तो उन्होंने एसएमएस आने का प्रोग्राम बनाया। इसी के चलते पूरा पुलिस का अमला जो है एकदम से सक्रिय हुआ है, यहाँ पर पूरी जगह जो है खाली करा ली गई है यहाँ पर, और यहाँ पर अब कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति के आने की सूचना जो है वो बताई जा रही है। इस बीच आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेस नेताओं का आने का सिलसिला भी जारी है। चारे, देखिए, मंत्री महेश जोशी से हमारे सहयोगी रूबरू हुए, बताया कि कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। विकास, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है, क्या मिल पा रही है, तो मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा क्योंकि लगातार अब तो डॉक्टर्स सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानकारी चाहेंगे किस तरह की चुनौतियाँ सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स को देखनी पड़ी है, और जो स्थिति डॉक्टर्स भावते हुए आए थे शुरू से कि सर्जरी के दौरान इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न सकती है, क्या उस तरह के हालात इस दौरान भी देखे गए थे या फिर इतनी चुनौती नहीं रही? चलिए, कोशिश करेंगे फिर से एक बार जुड़ने की, लेकिन आपको बता देते हैं कि ब्रेन से ब्लड क्लॉट निकाला गया है, ये डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने बातचीत करते हुए बताया। हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ गए हैं एक बार फिर से। विकास, जानकारी चाहेंगे, अभी क्या अपडेट है वहां और कौन कौन से नेता कांग्रेस से पहुंचे हैं?
हाँ देखिए, मैं आपको ताज़ा अपडेट ये दे दूँ कि इस वक्त महेश जोशी यहाँ पहुँचे हुए हैं। महेश जोशी के अलावा अमीन कागजी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए थे, और कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ लगातार आने का सिलसिला जारी है। इससे पहले मंगलम हॉस्पिटल में खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे थे, और उनके निर्देशन में पूरा ट्रीटमेंट जो है वो बोर्ड बनाया गया था, और यहाँ पर उनकी सर्जरी जो है वो शुरू हुई थी। लगभग सर्जरी भी कंप्लीशन की स्थिति में है, लेकिन उस बीच में अभी एक जानकारी आई है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं SMS अस्पताल में। इसीलिए जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको वापस से बदल दिया गया है, क्योंकि अब तक तो काफ़ी तादाद में प्रशंसक, उनके परिवारजन और साथ में और जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति के आने की सूचना मिली तो पूरा अस्पताल परिसर जो है उसको खाली करा लिया गया है, और खाली करा करके यहाँ पर पूरा जो रूट लाइन जो है वो तैयार कर ली गई, QRT की टीमें जो हैं वो लगा दी गई है, ताकि उपराष्ट्रपति का दौरा जब अगर होता है तो उस स्थिति में कोई रूट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर इकबाल को कहूँगा कि वो पूरी दिखाएंगे तस्वीर बाहर की, कि बाहर किस तरह का तैयारी आप देख सकते हैं कि QRT की टीम से लेकर के और सारी टीमें जो बाहर तैनात कर दी गई है, और रूट लाइन पूरी खाली करा ली गई है, ताकि उपराष्ट्रपति जब यहाँ पहुँचे तो सीधे वो ऊपर पहुँच सके, और उसके लिए तमाम तैयारियाँ SMS अस्पताल प्रशासन ने कर ली है। अभी कुछ ही देर के अंदर, अभी जानकारी यही मिल रही है कि कुछ ही देर के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है भी SMS अस्पताल पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँच करके वो चिकित्सकों से बातचीत करेंगे, और रामेश्वर डूडी जो है उनके हालचाल जानने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी सूचना है कि बहुत गंभीर हालत में है रामेश्वर डूडी। तो ऐसे में राजस्थान से बिलोंग करते हैं जगदीप धनखड़, तो ऐसे में उन्होंने खुद में अस्पताल आने का निश्चय किया, और यहीं पर कुछ ही देर में अस्पताल में पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि हर कोई आज चिंतित है, और ऐसे भी कांग्रेस के नेता हो चाहे अन्य नेता लगातार पहुंच रहे हैं। आपने बताया कि अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बाकायदा पहुंच रहे हैं, अब उसके लिए पूरा जाब्ता भी वहां लगाया गया है सिक्योरिटी पर्पज से भी। लेकिन विकास, एक और आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, स्थिति क्या अभी खतरे से बाहर है विकास? क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन डॉक्टर्स की टीम की भी तारीफ करनी होगी, लगातार किया जा रहा है, अभी इंतजार करना होगा, हालांकि 1-1.5 घंटा और बताया जा रहा है, लेकिन भी क्या बेहतर हुई है स्थिति उनकी पहले से और सुबह से अगर कंपेयर करें तो? हाँ देखिए शिखा, बिल्कुल देखिए, जिस तरह का यह घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में काबिले तारीफ है, SMS अस्पताल की पूरी टीम की तारीफ करनी होगी, किस तरह का उन्होंने मेडिकल मैनेजमेंट किया। जैसे ही सूचना मिलते ही SMS अस्पताल से टीम जो है वो सीधे मंगलम अस्पताल पहुंची थी, और मंगलम अस्पताल पहुंच करके वहां से वहीं के जो जाँचें थी, वहीं की जो इन्वेस्टिगेशन थी, वहां की जो रिपोर्ट थी, उन सबका मुआयना करने के बाद में ये तय किया गया कि उनको SMS अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है, यहाँ पर उनकी सर्जरी की जानी है। तो इसलिए करीबन ये मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट का समय लगा ये तय करने में कि उनकी शिफ्टिंग SMS अस्पताल में की जाएगी, SMS अस्पताल में लाते उनको सर्जरी की जाएगी। क्योंकि मैं आपको अपडेट कर दूं, जिस तरह का ब्रेन के अंदर डैमेज डूडी के हुआ है उसको देखते हुए तत्काल सर्जरी की बहुत ज़रूरत थी, और इसी को देखते हुए डॉक्टर्स की टीम जो है उन्होंने वहाँ डिसाइड किया, और वहाँ डिसाइड होने के बाद में तत्काल प्रभाव से उनको SMS लाया गया। यहाँ पर SMS के अंदर पूरी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर करीब 10 से 12 मिनट के अंदर मंगलम अस्पताल से जो रामेश्वर डूडी है उनको वेंटिलेटर पर SMS अस्पताल लाया गया, अस्पताल आकर के यहाँ पर सीधे उनको OT में ले जाया गया, जहाँ पर उनकी सर्जरी अभी चल रही है। अगर बात करें अब तक की, तो उनके दिमाग के अंदर जो क्लोटिंग हुई थी, क्लॉट हुआ था, उसको निकाल लिया गया है, और साथ में जो ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हुआ था उसका भी रिपेयर कर दिया गया है। लेकिन अब जो ब्रेन की पैकिंग का काम था वो जारी है, जैसा कि हमारे SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जो हैं राजीव बरगट्टा, उन्होंने बताया, और उसके बाद में अब पूरा कह सकते हैं कि सर्जरी कंप्लीट होने के स्टेज पर है। लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक अभी भी हालत काफ़ी चिंताजनक, काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अभी डॉक्टर सिर्फ यही कह रहे हैं कि दुआओं के भरोसे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन दुआएं बहुत काम आती है। खुद राजीव बरगट्टा ने कहा कि सभी लोगों की दुआएं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको रिकवर किया जाए। जी विकास, क्योंकि अब क्लॉट को बाहर निकाल लिया गया है, इसलिए थोड़ी राहत की सांस उनके समर्थक भी ले रहे होंगे। लेकिन विकास, इसी बीच क्या आपको वहां कुछ ऐसे पल भी दिखाई दिए जब लोगों की आंखें नम हो, समर्थकों के बीच किस तरह की गुफ्तगू आज देखी गई विकास? क्योंकि आप जब से उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी तब से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां उत्पन्न हुए हैं। देखिए बिल्कुल, अगर रामेश्वर डूडी की बात करें, जन नेता हैं,
जुड़ाव उनका, किसान पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, लोगों से जुड़ाव उनका है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस के अंदर एक महती भूमिका में रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का जुड़ाव है, खासतौर पर बीकाना क्षेत्र के लोगों के प्रति सीधा उनका जुड़ाव है और उनके कार्यकर्ता, क्योंकि आप देखिए लगातार उनके जो यहाँ मौजूद है समर्थक हैं, उनके परिजन हैं, उनके फ़ोन जो है वो लगातार आ रहे हैं और फ़ोन आकर के उनसे लगातार बातचीत चल रही है इस बात को लेकर के कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, लगातार लोग उनके प्रशंसक, उनके जो चहेते हैं वो लोग टीवी के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से लगातार उनके हेल्थ अपडेट ले रहे हैं। कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो लगातार हमें भी फ़ोन कर रहे हैं, हमसे भी समर्थक, हमसे भी जानकारी ले रहे हैं कि उनके हेल्थ को लेकर के, लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि ऑपरेशन लगभग हो चुका है, उसके बाद में अब स्थिति सबकी टिकी इस बात पे है कि कैसे भी करके उनकी स्थिति रिकवरी मोड पे आ जाए। दूसरा मैं आपको अपडेट कर दूं, एक तरफ जहां पे ऑपरेशन चल रहा है वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है उनका जो एसएमएस अस्पताल में आने का कार्यक्रम बनाया है, जिसके लिए पूरी रूट लाइन जो है वो तैयार हो चुकी है और कुछ ही पलों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एसएमएस अस्पताल में आएंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां, तमाम आपको एक बार रुकना चाहेंगे।